एक मिनट भैया, एक अरे अरे कभी कहा होता है उधर, एक मिनट गाले अलाउ नहीं कर रहा हूँ, इधर ही लगा लेते भैया ग्रुप में डालो यार, ट्रिपल आर को देखो, अरे ट्रिपल आर को देखो, यशवंत सिन्हा आगे बढ़ाओ, अरे सीधा मार बाप, यशवंत सिन्हा आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यशवंत सिन्हा आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, यशवंत सिन्हा भाई मोदी मोदी भाई भाई मोदी भाई भाई मोदी भाई भाई मोदी आज पुराने शहर चार मीनार से, जैसे आप तमाम जानते हैं, हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होने जा रहा है। यशवंत सिन्हा साहब के नेतृत्व में और उनकी सपोर्ट के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति आगे आई है। वैसे भी इससे पहले भी जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने थे उसके मुकम्मिल सपोर्ट में हमने जिस पार्टी को सपोर्ट किया, जिस प्रेसिडेंट को सपोर्ट किया, वो जीते। हमें पूरा यकीन है यशवंत सिन्हा साहब भी इस मरतबा जीतेंगे, क्योंकि बीजेपी जैसी जमात ख़ास तौर के ऊपर जो कहती है वो करती नहीं और जो बताती है वो रहता नहीं। उसके लिए ख़ास तौर पे आप तमाम जानते हैं, हाल ही में एक औरत को जो लेबर का काम करती है, 500 रुपये किराए के घर में रहने वाली की फ़ोटो खींच के ये कह दिया गया कि मोदी साहब ने मुझे छत दिया, जबकि वो लेडी कह रही है चीख चीख के, मुझे घर तो दूर की बात है, मैं 500 रुपये किराए के घर में रहती हूँ, वो झोपड़े के साथ बताया गया तमाम मीडिया में टोटली। क्योंकि सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो मीडिया जो हक बताती है, साफ बताती है, उन्होंने साफ बता दिया कि औरत को घर ही नहीं मिला। ऐसी तरक्की क्या करना है हिंदुस्तान के लिए, रूप सुबह से लेकर शाम तक जो बीजेपी के लीडर्स झूठ बोलते हैं उसके खिलाफ में लड़ने वाले वाहिद अली जनाब के चंद्रशेखर साहब वजीर आला तेलंगाना रियासत, वो तय कर चुके हैं कि हिंदुस्तान तमाम को, जिस तरह तेलंगाना की तरक्की हुई है, 24 घंटे लाइट, हर शख्स को खाना, और कोई शख्स केसीआर साहब आने के बाद कोई भूखा नहीं मरा, क्योंकि हर चौरस्ते पर 5 रुपये में खाना मिलता है। आप देखते हैं कि हर भूखे को यहाँ पर खाना दिया जाता है और प्यासे को पानी पिलाया जाता है। शहर हैदराबाद की तरक्की पूरे हिंदुस्तान के अंदर मशहूर है, इसके लिए चाहिए कि अब पूरा मुल्क हैदराबाद की तरह, तेलंगाना की तरह बने, ये हमारी ख्वाहिश है। हम चाहते हैं यशवंत सिन्हा की सपोर्ट करके हमारा एक कदम आगे बढ़ाए। अभी जो आप बाय बाय मोदी का, बाय बाय मोदी को तमाम आवाम, खास तरह यूथ, जिस तरह से अग्नि के नाम पर जो नौजवानों को जलाया जा रहा है, अग्नि के नाम के ऊपर इनके कैरियर को बर्बाद किया जा रहा है, अग्नि वाकई वो अग्नि है क्योंकि नौजवानों के दिलों में उठ चुकी है ये अग्नि को बुझाने के लिए। जब तक के बाय बाय मोदी नहीं होगा ये अग्नि बुझेगी नहीं। हम चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो भी सरकार आएगी वो पहले कानून जो अग्नि बनाया गया है आर्मी के लिए ये ख़त्म करेगी, साथ ही साथ हर वो कानून जो एंटी पब्लिक होगा उसे ख़त्म किया जाएगा और उद्योगपतियों का जो पैसा दिया जा रहा है उनका पैसा वसूल किया जाएगा, ये हमारा कहना है। जय तेलंगाना, जय केसीआर। ఈరోజు చార్మినార్ ఒక అందరిలో నిర్వహిస్తున్నటువంటి ర్యాలీ, బైక్ ర్యాలీ, మా మీరేనే తెలివాగ్రి గారు భాద్రపుర కాన్సెన్స్ నుంచి, మీరేనే తెలివాగ్రి గారి ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున బైక్ ర్యాలీ నిర్వహిస్తున్నాము. ఆయన యశ్వంత్ సిన్హాకు మద్దతుగా మేము ఈరోజు బైక్ ర్యాలీ తీస్తున్నాము. ఎందుకంటే బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి అన్యాయాలు, అరాచకాలు
తట్టుకోలేని అటువంటి యూత్ ఈ రోజు అగ్నిపర్ తీసుకొచ్చి ఎన్నో యూత్ కి బాధపడే విధంగా వారికి ఎంతో బాధపడే విధంగా చేసినటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వానికి ఈ రోజు నరేంద్ర మోడీ గారు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున ప్రోగ్రామ్ నిర్వహిస్తున్నారు వారికి రిటర్న్ వెళ్ళే రకంగా బై బై చెప్పుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ బైక్ ర్యాలీని నిర్వహిస్తున్నాము ఈ రోజు చార్మినార్ దగ్గరలో కాబట్టి మోడీకి కుక్కకాడుకు చెప్పు దెబ్బ కొట్టే విధంగా ఈ రోజు మేము బైక్ ర్యాలీ తీస్తూ పెద్ద ఎత్తున ర్యాలీ తీస్తున్నాము జై తెలంగాణ జై కేరళ।